हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम एजुकेशन। बच्चों, मैं आज आपको प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस कराऊंगी। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का जो फोर्थ पार्ट होता है, जिन्हें कि हम सेकंड टाइप भी सेंटेंसेस बोलते हैं, जिनमें डब्ल्यू एच वर्ड आते हैं। बच्चों, डब्ल्यू एच वर्ड हम कहते हैं जैसे कि सेंटेंस में कब, क्यों, कैसे, किसने, कौन, कहाँ, कितना, ये सब वर्ड आते हैं, तो हमारा जो सेंटेंस होता है वो डब्ल्यू एच वर्ड वाला बन जाता है, या फिर हम उसे सेकंड टाइप सेंटेंसेस भी बोलते हैं। इसके लिए एक छोटा सा रूल है, सबसे पहले उसे देखते हैं। सबसे पहले अगर वाक्य में हमारा सेकंड टाइप आ रहा है, डब्ल्यू एच वर्ड आ रहा है, तो हम डब्ल्यू एच वर्ड को ही लिखेंगे, उसकी स्पेलिंग लिखेंगे, उसके बाद इज एम आर लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर सेंटेंस में नहीं शब्द दिया हुआ है तो हम नोट का यूज़ करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बच्चों, एक बात ध्यान रखिए, जहाँ पर भी कंटीन्यूअस टेंस आता है, कंटीन्यूअस आप लिखा हुआ देखें, वहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है, भले ही कोई भी सेंटेंस हो। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, देन अदर। अब हम ये कैसे लिखें, सिंगुलर के साथ अगर हमारा सब्जेक्ट एक है तो हम इज का यूज़ करेंगे, और अगर हमारा सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो आई है तो हम एम का यूज़ करेंगे। आई के साथ हमेशा एम ही यूज़ होता है, और प्लूरल के साथ जैसे कि यू, दे, बहुत सारे हैं, चिल्ड्रन, पीपल, तो हम उनके साथ आर का यूज़ करेंगे। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। मैंने बहुत ही इजी सेंटेंसेस लिए हैं जिससे कि आप अच्छे से ट्रांसलेट करना सीख जाएं। चलिए, हमारा जो पहला सेंटेंस है वो है, तुम बाजार क्यों नहीं जा रहे हो। तुम बाजार क्यों नहीं जा रहे हो, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड है हमारा सेंटेंस में क्यों। अब हम क्यों की ही स्पेलिंग हम यहाँ पर लिखेंगे, क्यों, वाई, वाय। उसके बाद हमें सब्जेक्ट देखना होगा, हमारा सब्जेक्ट है यू, इट मीन्स प्लूरल है हमारा सब्जेक्ट, तो हम आर का यूज़ करेंगे, वाई आर। उसके बाद अब हमें सब्जेक्ट लिखना है, वाई, वाई आर यू। नहीं शब्द दिया हुआ है, उसके बाद हम नोट लिखेंगे, उसके बाद हमारा वर्ब, वर्ब क्या है हमारा, जाना, ये हमारा वर्ब है, तो जाने को गो, लेकिन हमें आईएनजी लगानी है क्योंकि हमारा टेंस कंटीन्यूअस है। व्हाई आर यू गोइंग, व्हाई आर यू नॉट गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, बाजार, गोइंग टू मार्केट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तुम बाजार क्यों नहीं जा रहे हो, वाई, डब्ल्यू एच वर्ड लगाया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया, फिर हमने सब्जेक्ट, नहीं शब्द आ रहा है तो नोट, जाना गो प्लस आईएनजी, उसके बाद मार्केट। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो सेकंड हमारा जो सेंटेंस है वो है, ये लोग आपको क्यों परेशान कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा डब्ल्यू एच वर्ड है क्यों, वाई लिखेंगे हम, वाई, ये लोग, वाई बहुत सारे हैं, वाई आर, ये लोग, दीज पीपल, ये के लिए दीज और लोगों के लिए पीपल, वाई आर दीज पीपल, नोट शब्द नहीं है, हम इसमें वर्ब ढूंढेंगे, हमारा यहाँ तक हो गया है, वर्ब ढूंढेंगे, वर्ब है हमारा परेशान करना, परेशान को बोलते हैं ट्रबल, प्लस आई एन जी, ट्रबल, ट्रबलिंग, आपको ट्रबलिंग यू, क्वेश्चन मार्क। ये लोग आपको क्यों परेशान कर रहे हैं, वाई आर दीज पीपल ट्रबलिंग यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। थर्ड जो हमारा सेंटेंस है वो है, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है। तो हमारा जो डब्ल्यू एच वर्ड है वो है कौन, सबसे पहले इसी की स्पेलिंग हम लिखेंगे, हो, हो। उसके बाद कौन पढ़ा रहा है, इट मीन्स एक है, हु इज, देखिए बच्चों, जो हु वाले सेंटेंस होते हैं उनमें जो सब्जेक्ट होता है
वो हम लास्ट में लगाते हैं. हु इज टीचिंग यू, जैसे हु इज कॉलिंग यू, हु इज टीचिंग यू, हु इज टीचिंग यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं. जो हु वाले सेंटेंस होते हैं केवल इन्हीं में हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो हम लास्ट में लगाते हैं. अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे हु इज यू टीचिंग, वो तो अच्छा सही सेंस नहीं होगा, तो हमें यही बनाना पड़ता है. नेक्स्ट हमारा सेंटेंस देखेंगे, इस कंपनी को कौन चला रहा है. तो हमारा जो डब्ल्यू एच वर्ड है वो है कौन. सबसे पहले हु चला रहा है, इट मीन्स एक है हु इज, हु इज सब्जेक्ट इसमें है ही नहीं. हु इज रनिंग दिस कंपनी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. हु इज रनिंग दिस कंपनी, इसे कौन चला रहा है. तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है, हमारी टीम मैच के लिए तैयारी कहाँ कर रही है. तो सबसे पहले जो हमारा डब्ल्यू एच वर्ड है वो है कहाँ. कहाँ वेयर, डब्ल्यू एच वर्ड लिख देंगे. उसके बाद हमें क्या लगाना है, इज एम आर. उसके लिए हमें पहले सब्जेक्ट देखना होगा, हमारी टीम, टीम एक ही है. तो वेयर इज आवर टीम, वेयर इज आवर टीम क्या कर रही है, तैयारी. ये हमारा वर्ब है. प्रिपेयरिंग फॉर मैच, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. वेयर इज आवर टीम प्रिपेयरिंग फॉर मैच, हमारी जो टीम है वो कहाँ तैयारी कर रही है मैच के लिए. नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है, तुम क्या खा रहे हो. सबसे पहले हमारा जो डब्ल्यू एच वर्ड है वो है क्या, वॉट, वॉट. उसके बाद तुम, इट मीन्स हमारा प्लूरल है, वॉट आर. उसके बाद सब्जेक्ट, वॉट आर यू ईटिंग, टेकिंग भी लिख सकते हैं हम. हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है, तुम्हारा भाई इन लोगों को क्या बता रहा है. क्या, हमारा सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड है क्या, तो हम लिखेंगे वॉट भाई, तुम्हारा भाई एक ही है, तो वॉट इज योर ब्रदर, योर ब्रदर डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, इज एम आर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नोट हमारा है नहीं, तो अब हम वर्ब लिखेंगे बताना, टेलिंग, टेलिंग इन लोगों को, टेलिंग टू दीज पीपल. लास्ट में क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है, वे मेरठ कब जा रहे हैं. तो हमारा जो डब्ल्यू एच वर्ड है वो है कब, इट मीन्स व्हेन, व्हेन वे, बहुत सारे हैं, व्हेन आर दे, व्हेन आर दे गोइंग टू मेरठ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. एक बार जल्दी से हम चेक कर लेते हैं हमारे सेंटेंसेस. चलो तो देखते हैं, सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस है वो है, तुम बाजार क्यों नहीं जा रहे हो, वाई आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट. नेक्स्ट है हमारा, ये लोग आपको क्यों परेशान कर रहे हैं, वाई आर दीज पीपल ट्रबलिंग यू. तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, हु इज टीचिंग यू. इस कंपनी को कौन चला रहा है, हु इज रनिंग दिस कंपनी. हमारी टीम मैच के लिए तैयारी कहाँ कर रही है, वेयर इज आवर टीम प्रिपेयरिंग फॉर मैच. तुम क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग.
नेक्स्ट है, तुम्हारा भाई इन लोगों को क्या बता रहा है? व्हाट इज़ योर ब्रदर टेलिंग टू दीज पीपल? वे मेरठ कब जा रहे हैं? व्हेन आर दे गोइंग टू मेरठ? बच्चों, अगर वीडियो आपको समझ आई हो, आपको हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।